जो है पिछली क्लासेस में सेकंड नंबर चैप्टर की कुछ थ्योरी कवर की थी और दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए अपन जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको टू रेशियोज के नाम बताए थे, एक तो था सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। कौन से रेशियो बताए थे? सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। देखिए जब कोई पार्टनर जो है वो फर्म में एंटर लेता है तो पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पहले टू जने प्रॉफिट डिवाइडेशन कर रहे थे, टू जने प्रॉफिट ले रहे थे, उसके बाद में नया पार्टनर आते ही तीन जने प्रॉफिट या जितने पार्टनर आ रहे उतने जने प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो वो शेयर करने के कारण जो है उनका रेशियो चेंज हो जाता है, तो अपन न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब पहले टू पार्टनर जो है वो प्रॉफिट बांट रहे थे, उसके बाद नया पार्टनर आने के बाद तीन जने या चार जने जितने पार्टनर आते हैं वो प्रॉफिट बांटते हैं, तो पुराने पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, अपने प्रॉफिट को छोड़ते हैं, तो कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट छोड़ रहा है उसके लिए अपन सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो रेशियो हो गए, सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। अब अपन थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद में अपन जो है आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए तीन पार्टनर है ए बी और सी जो कि अपना प्रॉफिट 3:2:1 में शेयर करते हैं। डी जो है वो फॉर्म में नया पार्टनर आता है 1/6 पोर्शन के लिए। बट क्वेश्चन में कंडीशन रखी गई है, क्वेश्चन में एक कंडीशन रखी गई है कि जब डी आ रहा है तो सी का पहले वाला हिस्सा रहेगा, मतलब सी जितना प्रॉफिट पहले से ले रहा है उसका हिस्सा चेंज नहीं होगा। डी को तो 1/6 देना ही है और सी जो कि पार्टनरशिप में पुराना पार्टनर है उसका रेशियो चेंज नहीं करना है। तो देखिए डी जो है वो 1/6 लेगा और सी का रेशियो भी आपको चेंज नहीं करना है, मतलब सी भी कितना लेगा 1/6, 1 ये और 3 और ये 2 इनको जोड़ के इनका रेशियो जाएगा 1/6। डी तो इतना लेगा ही लेगा और सी का रेशियो भी चेंज आपको नहीं करना है, तो 1/6 डी का और 1/6 सी का दोनों मिला के 2/6 तो आप प्रॉफिट को एक तरफ कर दीजिए क्योंकि डी को 1/6 देना है और सी का पुराना रेशियो ही रखना है। तो अपन मानेंगे कि पूरी फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपया, कितना है 1 रुपया, अपने को एज्यूम करना है, माना अपन ने फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपया, 1 में से आप 2/6 लेस कर दीजिए तो पीछे बच जाएगा 4/6। ओके, अब 4/6 को ये दोनों पार्टनर बांटेंगे, 4/6 को ये दोनों पार्टनर बांटेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि सी का तो रेशियो पहले वाला ही रहेगा और डी जो है वो 1/6 के लिए आएगा, तो 4/6 को ए और बी जो है आपस में बांटेंगे। 4/6 का 3/5 और 4/6 का 2/5 कर देंगे। ओके, तो इसका हो जाएगा 12/30, इसका हो जाएगा 8/30, ये सी जो है वो 1/6 है, तो इसके सी को इसके इक्वल लाने के लिए हो जाएगा 5/6। एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं और डी का हो जाएगा वो भी 1/6, इसको इक्वल करेंगे तो वो हो जाएगा 34/30। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? नया पार्टनर आया तो न्यू रेशियो आपको हो जाएगा 12:8:5:5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। क्या था क्वेश्चन में? ए बी और सी जो तीन पार्टनर हैं वो डी को 1/6 के लिए फॉर्म में एंटर देते हैं, बट क्वेश्चन में एक कंडीशन रखी गई है कि सी का वो ही रेशियो था या रहेगा जो पहले से था, तो सी का कितना था 1/6 और डी को देना है 1/6, तो 1/6 और 1/6 को एक साइड रख दीजिए, टोटल 2/6 तो अपने को छोड़ देना है, तो अपन मानेंगे पूरी फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपीज, 1 रुपीज में से 2/6 जो कि डी और सी का है वो अलग कर दिया तो रिमेनिंग बच गया 4/6। 4/6 को ए और बी आपस में शेयर करेंगे तो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी जो है वो फर्म में पार्टनर है जो कि प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते हैं। ए और बी दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते हैं, वो सी को फर्म में एंटर देते हैं, पर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है या कितने हिस्से के लिए आ रहा है, बट क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है कि बी और सी का वही रेशियो होगा जो कि ए और बी का है। बी और सी का वही रेशियो होगा जो कि ए और बी का है। तो देखिए ए और बी इनका रेशियो क्या है, 3:2, और क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी का वही रेशियो होगा 3:2 जो पहले से ए और बी का है। अब देखिए बी इक्वल पर्सन, ए की पर्सन है पर इसका रेशियो अलग अलग हो रहा है। बी ए की पर्सन है पर नया पार्टनर आती है इसका रेशियो चेंजेस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, बी को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए इन दोनों को आप मल्टीपल कर दीजिए 3 से और इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए 2 से। वही रेशियो है देखो 3:2 मैंने मल्टीपल किया 9:2, इसको इससे मल्टीपल किया 6, इसको इससे मल्टीपल किया 6 और इसको इससे मल्टीपल कर दिया 4, क्या आ गया 4। तो देखिए अब बी का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया है 6 और 6, तो इनका न्यू रेशियो बन जाएगा ए बी और सी, क्या बन जाएगा 9:6:4। ओके, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे रेशियोज वाले, दो क्वेश्चंस जो है अभी अपन ने कर लिए। पिछली क्लासेस में मैंने दो क्वेश्चन और करवाए थे, ऐसे तो नंबरिकल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आगे अपन बढ़ेंगे थ्योरी के साथ। देखिए मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो अपन क्या क्या चीज करते हैं, अपन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं सिखा दिया, या फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालते कर लिया अपन ने। फिर मैंने बोला था कि अपन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो वो फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो ये देखता है फर्म की रेपुटेशन क्या है, उस रेपुटेशन को ही अपन गुडविल बोलेंगे। फर्म की जो रेपुटेशन होगी, अगर फर्म की रेपुटेशन हाई है तो वो हाई प्रॉफिट देगी, तो पार्टनर को हाई प्रॉफिट होगा और उसको उसका पार्ट भी हाई मिलेगा तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर फर्म की रेपुटेशन लो है तो एक बार तो पार्टनर फर्म में इन्वेस्टमेंट करने में भी सोचेगा, तो इसलिए जहां ज्यादा गुडविल होगी वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा और वहां पे ज्यादा अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कोई भी नया पार्टनर या अपन खुद भी किसी फर्म का एनालिसिस करते हैं तो अपन ये पता लगाते हैं कि उसकी गुडविल क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कितना प्रॉफिट कवर करता है। तो अपन यहाँ पे भी एंटर ऑफ न्यू एडमिशन पार्टनर में ये देखेंगे कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो फर्म में कितनी गुडविल लेके आता है, क्योंकि वो फर्म का प्रॉफिट देता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था कि जब कोई पार्टनर प्रॉफिट के लिए शेयर करता है तो वो गुडविल लेके आता है, और एसेट्स के लिए शेयर करता है तो वो कैपिटल लेके आता है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, पर गुडविल की कैलकुलेशन करने से पहले अपन गुडविल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुडविल इसे बोलेंगे हिंदी में क्या है, ओके। वैसे गुडविल की कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, किसी ने आज तक कोई परिभाषा नहीं दी है, बट गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट है जो कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है, उसमें एक पावर होता है जिससे कस्टमर जो है वो फर्म की तरफ खींचा चलाता है। अपन खुद भी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे माल अच्छा मिलता है, यहाँ पे चीज अच्छी मिलती है, इसकी रेट रिजनेबल है, ये अपने को पसंद आता है, अपने को इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो ये सभी गुडविल की जो है वो विशेषता है, वो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो गुडविल को बताते हैं कि हाँ इसकी गुडविल है, ठीक है ना। तो देखिए वैसे गुडविल कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गुडविल ख्याति। देखिए गुडविल की कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी गुडविल
या ख्याति में एक शक्ति होती है, पावर होता है जो कि कस्टमर को, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लॉर्ड एल्डर ने ऐसा बोला है कि गुडविल जो है वो एक संभावना है, गुडविल जो है एक संभावना है जिसको कि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने की एक शक्ति होती है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब हम आगे गुडविल की विशेषताएं, ख्याति की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गुडविल जो है वो एक मूल्यवान, एक वैल्यूएबल एसेट्स है जिसका मूल्य लगाया जाता है। गुडविल जो है एक मूल्यवान और एक वैल्यूएबल एसेट्स है जिसका की मूल्य लगाया जाता है। गुडविल में लाभार्जन की, लाभ कमाने की कैपेसिटी, क्षमता होती है। गुडविल में लाभ कमाने की कैपेसिटी होती है, जो फर्म जिसकी गुडविल जितनी ज्यादा होगी उसमें प्रॉफिट या मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। गुडविल जो है उसकी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, गुडविल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कभी एक सिमिलर नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है। एंड नेक्स्ट जो है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको अपन देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट वो होती है, जिसका अपन वैल्यू पेमेंट करते हैं। तो ये गुडविल की कुछ विशेषताएं हैं। आगे है, गुडविल को इफेक्टिव करने वाले पॉइंट कौन कौन से। पहला है कि व्यवसाय या बिजनेस जो है वो सुविधाजनक जगह पे होना चाहिए, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ग्राहक को आने में, कस्टमर को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ओके। सेकंड पॉइंट कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, जिस फर्म का मैनेजमेंट, जिस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा वहाँ पे जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ प्रोडक्ट कितना है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, जो फर्म या जो बिजनेस जिस गुड्स का, जिस वैल्यू को बना रही है, जिसको प्रोडक्शन कर रही है, जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उसका नेचर कैसा है, वो प्रोडक्ट है कैसा, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, ये ठीक है ना। थर्ड, लाभार्जन की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी उस फर्म की गुड, फर्म का प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी कितनी है, वो फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। टाइम ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस, उस फर्म को चलते हुए कितना टाइम हो गया, जो बिजनेस या जो फर्म लॉन्ग टाइम से चलती है उनकी जो वैल्यू है ज्यादा होती है, उनकी गुडविल भी ज्यादा होती है। एंड टाइप्स ऑफ डेंजर्स, जोखिम की मात्रा, ठीक है ना, कोई इसी बिजनेस में जोखिम की मात्रा ज्यादा होती है कि भाई अपन ज्यादा पैसा लगाएंगे पर प्रॉफिट कम होगा, कोई बिजनेस ऐसा होता है कि आप नॉर्मल पैसा लगाओगे तो भी प्रॉफिट कैसा होगा, तो आपके वो डेंजर का टाइप कैसा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गुडविल को इफेक्टिव करते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, टाइप ऑफ गुडविल, गुडविल कितने टाइप की होती है, गुडविल टू टाइप की होती है, गुडविल जो है वो टू टाइप की होती है, टाइप ऑफ परचेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग जो जिस गुडविल को अपन परचेज करते हैं उसी की अकाउंटिंग की जाती है, जिस गुडविल को अपन परचेज करते हैं उसी की अकाउंटिंग की जाती है, उसी का पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसी की अपन आगे से आगे पोस्टिंग करते हैं। ऐसी गुडविल जिसका अपन पैसा चुकाते हैं, पैसा कैसे चुकाएंगे, अगर अपन किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो उसकी एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज लेस कर दो, उसकी एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज लेस कर दो, उसके बाद जो बचता है वो फर्म की वैल्यू होगी, वो फर्म का पीसी हो गया, परचेज कंसेशन क्रय मूल्य हो गया, उससे जितना आप ज्यादा पेमेंट करोगे वो आपकी गुडविल होगी। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किसी फर्म की नेट एसेट्स निकाली, नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस कर दो, ठीक है। तो वो ये सब कुछ करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपके आए 10 लाख रुपीज, कितने आए 10 लाख रुपीज, आपने क्या कर दिया, एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस कर दिया, उसके बाद फॉर्म की वैल्यू कितनी बच गई, 10 लाख रुपीज। अब अगर आप उसका 15 लाख रुपीज पेमेंट करते हो, कितना चुकाते हो, 15 लाख रुपया, तो 5 लाख जो होगा वो गुडविल होगा, क्या होगा, गुडविल। जो फर्म की वैल्यू थी उससे जितना ज्यादा आपने चुकाया है वो फर्म की क्या हो गई, गुडविल, ओके। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
स्वअर्जित ख्याति, स्वअर्जित ख्याति। ऐसी गुड़ी जिसको अपन खुद कमाते हैं, जिसको अपन खुद कमाते हैं उसको अपन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्व अर्जित ख्याति कहते हैं। इसकी कभी भी एंट्री नहीं की जाती है, इसकी कभी भी पोस्टिंग नहीं की जाती और इसकी कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाती, क्योंकि अपने को पता रहता है कि अपनी फर्म की, अपने बिजनेस की जो है वो मार्केट में क्या वैल्यू है। अगर अपन किसी बिजनेस को सेल करेंगे ना, तभी अपन एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करके गुडविल निकालेंगे। अपने को पता रहता है कि अपन ने कितना कमाया है, अपनी मार्केट में क्या वैल्यू, तो इसलिए खुद की कमाई में गुडविल की कभी भी वैल्यू नहीं निकाली जाती है। अपन क्वेश्चन में इसी गुडविल की जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल के जो है वो थ्री नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं? थ्री। फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल गुडविल, कैजुअल गुडविल,